Mahant. Today we are going to start topic the noun number. In noun may either singular or plural in number. First, what is singular noun? Singular noun. Singular noun किसे कहते हैं? A noun which denotes only one person, place, animal or thing is called singular noun. A noun which denotes, जो दर्शाता है, only one person, place, animal or thing. एक noun जो केवल एक ही person, place, animal, thing को denote करे, वो होता है singular noun. For example, boy, girl, chair, egg, etc. तो ये क्या है? Singular noun. क्योंकि किसको denote कर रहे हैं? Only one person, place, animal या thing. यहाँ boy, यहाँ किसकी बात हो रही? Only one boy की. Girl, only one girl. Chair है, only one thing है. Egg, यानी जो noun only one person, place, animal, thing को denote करे वो होता है singular noun. Next, what is plural noun? Plural noun. A noun which denotes more than one person, place, animal or thing is called plural noun. A noun which denotes more than one person. एक noun जो एक से ज्यादा person, place, animal और thing को denote करे वो क्या होता है? Plural noun. For example, boys, girls, chairs, eggs. ये क्या है बेटा आपके? प्लूरल नाउन. बॉयज, यहां वन से मोर देन वन बॉयज की बात हो रही है तो ये क्या है? प्लूरल नाउन. गर्ल्स, यहाँ पे ओनली गर्ल है, वन है, ओनली क्या है? सिंगुलर गर्ल की बात हो रही है यहाँ पे. गर्ल्स, यहाँ हमने उसको किसमें चेंज कर दिया? प्लूरल नाउन में. तो सिंगुलर में जो ओनली वन को डिनोट करे वो होता है सिंगुलर, और जो मोर देन वन को डिनोट करे वो क्या होता है? प्लूरल. नेक्स्ट है बेटा आपकी फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स. हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन में उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे?
फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट नाउन वी एड एस। ज्यादातर नाउन में हम क्या ऐड करते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए एस। एग्जाम्पल देखिए, ट्री, यहां पर ये क्या है सिंगुलर, जब इसको प्लूरल बनाएंगे क्या ऐड करेंगे इसमें एस, क्या बन गया ये प्लूरल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बॉय, जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या ऐड कर दिया हमने इसमें बॉयज। यानी ज्यादातर नाम में हम क्या ऐड करते हैं एस उनको प्लूरल बनाने के लिए। सेकेंड, नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड ओ, वी एड ES। तो किसी नाम के एंड में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच, एक्स या फिर ओ हो तो वहां हम उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड कर देंगे ES। फॉर एग्जाम्पल बुस, इस नाम के एंड में देखिए क्या है एस एच, तो इसको जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या ऐड कर देंगे इसमें ई एस, बूसेस। क्लास, इसमें लास्ट में क्या है डबल एस, तो इसमें भी क्या ऐड करेंगे ई एस, क्लासेस। बेंच, इसमें लास्ट में क्या है सी एच, तो इसमें भी क्या ऐड करेंगे ई एस। टास्क आपका होमवर्क है, आपको सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और फॉर्मेशन के 2 पॉइंट्स फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और इनको लर्न करना है। थैंक्स।